1 जुलाई 1917 को कल्पा में जन्मे 104 वर्षीय श्याम शरण नेगी एक बार फिर बिना रुके बिना थके मतदान को तैयार हैं। हालांकि श्याम शरण नेगी के स्वास्थ्य में दिन प्रतिदिन काफी गिरावट आ रही है, जिस कारण उनके शरीर ने भी काम करना बंद कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद वह 30 अक्टूबर को अपना कीमती वोट देने के लिए तैयार हैं। जिला प्रशासन ने भी उन्हें उनके बूथ नंबर 51 तक लाने की पूरी तैयारी कर दी है। मीडिया से रूबरू होते हुए जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं SDM कल्पा स्वाति डोगरा ने बताया कि श्याम शरण नेगी को उनके घर कल्पा से सरकारी वाहन से सम्मान पूर्वक ठीक 12:30 बजे बूथ नंबर 51 के आदर्श मतदान केंद्र 2 पर लाया जाएगा, जहां उनका जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त अपूर्व देवगन सहित प्रशासन एवं स्थानीय लोगों द्वारा रेड कारपेट बिछाकर किन्नौरी पारंपरिक वेशभूषा में पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ किन्नौरी टोपी व मफलर पहनाकर भव्य स्वागत किया जाएगा। वहीं उनकी स्वास्थ्य सुविधा के लिए डॉक्टर व वॉलंटियर भी मौजूद रहेंगे तथा मतदान के बाद उन्हें वापस सम्मान पूर्वक घर पहुँचाया जाएगा। लोकसभा के उपचुनाव होने वाले हैं, उसमें हमारे यहाँ जो प्रथम मतदाता हैं श्री श्याम शरण नेगी जी, जिनकी आयु इस समय 104 वर्ष है, वो भी कल अपना कीमती वोट डालेंगे। उनके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा काफी अरेंजमेंट्स किए गए हैं। उनके लिए हम रेड कारपेट बिछाएंगे और उन्हें यहाँ के पारंपरिक वाद्य यंत्रों द्वारा लाया जाएगा और जिला प्रशासन की द्वारा उनको सम्मानित किया जाएगा। हिमाचल दस्तक टीवी के लिए किन्नौर से अरुण नेगी।